पांचवें क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास एलकेजी सब्जेक्ट है हिंदी। सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हम यातायात के साधनों के नाम पढ़ेंगे। यातायात के साधन आपको पता है कौन कौन से होते हैं? बस, कार, ट्रक, जीप, रेलगाड़ी, तबला, हवाई जहाज, ये सारे यातायात के साधन हैं। यातायात के साधन यानी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हमें जाना है तो हम इन साधनों के द्वारा जा सकते हैं। अब देखो यातायात के साधन, एक नंबर पे बै से बस। बस जो जिसपे सवारियां चलती हैं, 50 या 60 सदस्य इसे एक साथ जा सकते हैं, बस के अंदर यात्रा कर सकते हैं। कार होती है छोटी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 सवारी बैठ सकती है। जी ट्रक के अंदर सामान डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ट्रक के अंदर सवारी नहीं जाती, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। तांगा घोड़ा गाड़ी को कहते हैं, इसके आगे घोड़ा गाड़ी को खींचता है, इससे भी 4-5 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं। बैल आगे गाड़ी को खींचते हैं। बैल गाड़ी अगर हमें खेत में कोई सामान लेने जाना है तो हम बैल गाड़ी का प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज, जो हवा में उड़ते हैं, हवाई जहाज ये हवा में उड़ते हैं। नाव जो है वो पानी में चलती है, समुद्र के अंदर नाव चलती है। समुद्री जहाज होता है वो समुद्र के बीच में होता है और इस नाव के द्वारा सामान या यात्री इस नाव के द्वारा समुद्री जहाज तक पहुंचाए जाते हैं। ये देखो नंबर 9, स्कूटर पे 2 जने एक साथ बैठ सकते हैं और ये भी पेट्रोल से चलता है। रेलगाड़ी में काफी यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। रेलगाड़ी को इंजन खींचता है और पीछे रेलगाड़ी में डिब्बे लगे होते हैं और काफी यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। अब देखो पहला यातायात के साधन में पहला है बस, दूसरा है कार, तीसरा नंबर देखो जीप, चौथा नंबर देखो ट्रक, नंबर 5 देखो तांगा, नंबर 6 पर देखो बैलगाड़ी। तांगा और बैलगाड़ी जो है पेट्रोल या डीजल से नहीं चलती, इनमें तांगा जो है वो घोड़े से चलता है।
महंगाई वैसे चलती है। तो इसमें वायु प्रदूषण बिल्कुल होता। नंबर सात देखो है वा ई जे हा जे हवाई जहाज, ये हवा में होता है। नंबर आठ देखो ना वे नाव, ये पानी में चलती है। नाव जो है वो पानी में चलती है। नंबर नौ पे देखो सै कू ए रे स्कूटर, स्कूटर पर सिर्फ दो जने एक साथ बैठकर यात्रा कर सकते हैं। नंबर दस देखो रे ले गा री रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बहुत लंबी होती है, इसमें काफी यात्री एक साथ बैठकर यात्रा करते हैं। रेलगाड़ी में यात्री गाड़ी भी है और दूसरी मालगाड़ी भी है, ये पटरी पर चलती है। मालगाड़ी में माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। आपने इसको जो यातायात के साधन हैं इनको आपने अपनी हिंदी की कॉपी में साफ सुंदर हैंडराइटिंग में एक एक लाइन छोड़कर दो तीन बार लिखने हैं और दो अपने लिखने हैं जिससे गलती ना आए, और ये आपने दो तीन बार पढ़ने हैं।